जो लोग ये आरोप लगाते हैं आदरणीय मोदी जी पर, जो उद्यमियों से मिलते हैं, मैं उनसे बड़े विनय से पूछना चाहता हूँ कि चिदम्बरम जी, ये तो मिलते नहीं हैं, ये तो अनिल अग्रवाल के स्टरलाइट के बोर्ड के डायरेक्टर हैं। इससे मैं अनिल अग्रवाल को और स्टरलाइट को खराब नहीं मानता, बिल्कुल मैं खराब मानता हूँ चिदम्बरम को, जिसके लड़के के 23 अकाउंट मिले हैं और ऐसा दागी व्यक्ति उनके बोर्ड में था। इससे उनका बोर्ड धूमिल हुआ है, स्टरलाइट कंपनी की बदनामी हुई है कि चिदम्बरम ऐसा दागी व्यक्ति वहाँ था। लेकिन उनका नेता है, इतना बड़ा नेता कि प्रणब मुखर्जी ऐसे व्यक्ति भी विचलित हो गए थे, सार्वजनिक सत्य। आप बता दीजिए, रजनी पटेल क्या उनके उद्यमियों से संबंध नहीं थे? चाचा सीताराम केसरी के उद्यमियों से संबंध नहीं थे? हमारे, हम दादा के नाम से बचपन से जानते हैं, प्रणब दादा के क्या अंबानी से संबंध नहीं थे? अभी उनका ट्रस्ट जो 1000 करोड़ का है, जिसमें इसका लोकार्पण हुआ, उसमें क्या रतन टाटा और अंबानी ये तमाम लोग उपस्थित नहीं थे? तो ये लोग अछूत नहीं है, यही तो मोदी जी कहते हैं। और ये जो अडानी और अंबानी मोदी जी के ऊपर बार बार चिपकाया जाता है, अडानी और अंबानी क्या मोदी जी के 4 वर्षों में बन गए? मुकेश के और अनिल के संबंध परंपरागत रूप से कांग्रेस से रहे, लेकिन 77 की सोचली पराजय के बाद माधव सिंह सोलंकी, जीना भाई दार जी और प्रबोध रावल के तीन लोगों का एक बड़ा संगठन था, गुजरात में खाम की थोरी लगाकर, खत्री हरजन आदिवासी मुसलमान की थोरी लगाकर भारी मतों से ये गुजरात में जीते थे। और धीरूभाई ने उनकी बड़ी मदद की थी कांग्रेस के, तो धीरूभाई का ये कहना था कि पहला भोज इंदिरा जी का मैं करूँगा। ये मौर्य सेरेटन में भोज हुआ था, धीरूभाई भी नहीं है, इंदिरा जी भी नहीं है, लेकिन माधव सिंह सोलंकी हैं। कल ही उनका जन्मदिवस था, उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए वो नकारेंगे नहीं, वो वरिष्ठ आदमी, परिपक्व आदमी। तो तब से अंबानी परिवार से संबंध है। 77 में पराजय के बाद जब वो जीते हैं तो धीरूभाई और इंदिरा जी के बीच में मुलाकातें हुई, पहला भोज हुआ। यही मोदी जी कहते हैं कि अगर भोज करते हो तो बोलो कि करते हैं, मिलते हो तो बोलो कि मिलते हैं।